गरीब बेटी की शादी। एक गांव में सोमन्ना सुशीला नाम के पति पत्नी रहते थे। सोमन्ना को एक बेटा एक बेटी थी। उनके पास अपने पूर्वजों के समय से 2 एकड़ जमीन थी। वहां पर खेती करके उससे आई तनख्वाह से अपने बच्चों का पेट भरता। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन वो खेती करने जा रहा था, तभी वीरैया नाम का आदमी घर के सामने आते हुए दिखता है। उसे देखकर सोमैया घर के अंदर जाकर, सुशीला सुशीला, ब्याज वाला वीरैया आया है, मैं नहीं हूँ कह दो, ऐसे बोलकर चौखट पर आ जाता है। सुशीला चौखट के पास आती रहती है। उतने में वीरैया आकर, सोमैया सोमैया, ऐसे जोर से बुलाता है। सुशीला बाहर आकर, क्या हुआ भैया, आपके पति घर पर नहीं है क्या? खेती करने गए हैं। अच्छा, 2 महीने से प्याज का पैसा नहीं दे रहे, नजर भी नहीं आ रहे। आएंगे तो बताओ, चाहे जो भी हो जाए ब्याज का पैसा वक्त पर देना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल चुप नहीं रहूँगा। अभी 2 महीने हो गए, आपके पति न जाने क्या सोच रहे हैं, दिखेंगे तो बताता हूँ उन्हें, ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद सोमैया बाहर आकर, चला गया? हाँ गया। अच्छा मैं आता हूँ। ब्याज का पैसा नहीं देंगे तो झगड़ा कर लेगा। खेत में टमाटर निकाल रहा हूँ, वो बेचकर उन्हीं पैसों से ब्याज भर दूंगा मैं, तुम डरो मत। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। बोलने के अनुसार सारे टमाटर बेचकर सारे पैसे वीरैया को ब्याज के तौर पर दे देता है। घर आते ही सुशीला, क्या हुआ, ब्याज के पैसे भर दिए? हाँ भर दिया। कुछ बोला क्या? 2 महीने में सारे पैसे भरने हैं। 2 महीने में कहाँ से लाएंगे? नहीं जी, इतनी बड़ी रकम सुन नहीं पा रही। असल में कर्जा करके दोनों बच्चों को पढ़ाया, अभी ब्याज नहीं भर पा रहे हैं। कुछ देर पहले सीनैया आया था। क्या कहा? हमारी बेटी के लिए रिश्ता देखा है, बहुत अच्छा रिश्ता है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा लड़का है, आप लोग हाँ बोलोगे तो परिवार से मिलवाऊंगा कहा। अच्छा तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूँगी, उनसे पूछकर बताती हूँ कहा। हम कर्जे में डूबे हैं, ऐसे में उसकी शादी कैसे करवाएंगे, मना करती हूँ। क्या बोल रही हो, परिस्थिति अच्छी नहीं है तो बेटी को घर पर बिठाएंगे क्या? वो लोग जो भी हो आकर लड़की को देख कर जाने बोलो, रहने दो मैं ही बोलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से अंदर जाता है। कहने के अनुसार सीनैया को बोलकर लड़की वालों को उसकी बेटी कल्याणी को देखकर जाने बोला। लड़के वाले देखकर चले जाते हैं। अगले दिन सीनैया को मिलकर शादी के बारे में बात करता है। सीनैया सारी चीजें बताकर, कुछ नहीं सोमन्ना, लड़की उन्हें बहुत पसंद आई, उन लोगों का बहुत अच्छा परिवार है, लड़का बहुत ही पढ़ा लिखा है, तुम्हारी लड़की उन्हें बहुत पसंद आई, यही एक कारण से वो लोग दहेज की ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर रहे। ऐसे बोल रहा था कि सोमैया धीरे से मुस्कुराता है। उतने में सीनैया, लेकिन हाँ लेकिन, लेकिन लड़की के गले में 4 तोला सोना और लड़के के लिए 1 बुलेट बाइक, शादी के खर्च के लिए 1 लाख मांग रहे हैं, ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सोमैया चौंक जाता है, कुछ बोले बिना ऐसे ही देख रहा था। क्या हुआ, ऐसा क्यों मुंह बना लिया, तुम अपनी बेटी को दे रही हो और लोगों को नहीं? ऐसा नहीं है, तुम्हारा क्या निर्णय है, तुम बताओगे तो मैं उन्हें बताऊंगा, सोच कर बताओ। हाँ, ऐसे बोलकर घर लौट कर आता है। घर आते ही सुशीला, क्या हुआ, क्या बोला सीनैया, ऐसे पूछती है। सीनैया जो भी कहता है सोमैया अपनी पत्नी को बताता है। इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, महीने का ब्याज भरने के लिए फसल बेचनी पड़ रही है, अभी इतने पैसे चाहिए तो फसल नहीं पूरी खेत बेचनी पड़ेगी, ऐसा कहती है। वो बात सुनकर सोमैया अपनी पत्नी के पास देखकर, हाँ यही एक रास्ता है, कभी ना कभी तो शादी करवानी है, तभी भी बेचना पड़ेगा, उससे अच्छा है अभी बेच देता हूँ। खेत बेचोगे, ब्याज वाले वीरैया का क्या होगा फिर, सब कुछ बेच दोगे तो बेटे का क्या? 2 एकड़ जमीन बेच दी तो शादी का खर्च निकल जाएगा, उनको देने के लिए 1 लाख बाकी होगा शायद। 1 लाख कैसे चुकाओगे, सब कुछ बेटी को दोगे तो बेटे का क्या? तभी बेटा राजा आकर, माँ दीदी की शादी होने दो, हम मजदूरी करके जी लेंगे,
मेरे बारे में क्यों सोच रही हो? ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आते हैं। सुशीला की बेटी कल्याणी आकर, मैं शादी नहीं करना चाहती। शादी नहीं करोगी? क्यों? लड़का पसंद नहीं आया? लड़का पसंद भी आ गया तो भी नहीं करूँगी। मेरी शादी के लिए जमीन बेचना मुझे पसंद नहीं, अभी जरूरत भी नहीं है। सोमैया बेटी के पास आकर उसे संभाल कर, पागल लड़की, लड़की की शादी करवाना जरूरत नहीं, फर्ज है, कर्जा है, ये है वो है, इसके बावजूद शादी क्यों पापा ये मत कहो, क्योंकि ऐसा सबके घर में होता है भी तुमसे बढ़कर दौलत नहीं है। तुम्हारे छोटे भाई ने क्या कहा सुना ना, तुम बिना कुछ सोचे खुशी से रहो, ठीक है ना? ऐसे बोलकर बेटी को घर के अंदर भेज देता है। सोमैया वहाँ से ब्याज वाले वीरैया के पास आता है। सोमैया को देखते ही वीरैया, क्या सोमैया वापस आ गए, क्या हुआ? वो खेत बेचने का सोच रहा हूँ, वैसे भी उसके कागजात आपके पास है, या फिर आप खरीद लीजिए या फिर किसी और को बेच दीजिए। अभी खेत क्यों बेच रहे हो? बेटी की शादी है, 4-5 लाख खर्चा आएगा। तो खेत ही क्यों बेच रहे हो? आज दाम 10 है तो कल 50 हो जाएगा। जी नहीं सकते तो जमीन नहीं बेचनी चाहिए। बेचे बिना शादी कैसे होगी? शादी के लिए कितना चाहिए बताओ, मैं देता हूँ, फसल उगा के चुका देना। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सोमैया चौंक कर, क्या बोल रहे हो भाई? देखो सोमैया, मैं गांव में लोगों को कर्जे के तौर पर पैसे देता हूँ, लेकिन उनकी जमीन हड़प कर उन्हें सड़क पर लाने के बारे में कभी भी नहीं सोचा। अभी जितना चाहिए ले लो, 5 साल के अंदर अंदर सारा पैसा चुका देना, अगर नहीं चुका पाए तो जमीन बेचकर सारे पैसे चुका देना, 1 एकड़ बच जाएगी। ऐसे कहता है। वो बात सुनकर सोमैया वीरैया को कस के गले लगकर, महीने महीने ब्याज के लिए घर के सामने खड़े रहने पर निर्दय इंसान है, तकलीफ नहीं समझ पाता ये सोचा था भाई, लेकिन तुम इतने अच्छे इंसान हो अभी पता चला है भाई। जरूरत के हिसाब से इंसानियत बाहर आती है सोमैया, तकलीफ में सारी चीजें छीन लूंगा तो पाप चढ़ेगा, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। वैसे भी यह सब अभी क्यों, जितना चाहिए ले जाकर बेटी की शादी करवा दो। ऐसे कहता है। सोमैया हाँ बोलकर वीरैया से पैसे लेकर बेटी की शादी करवाकर ससुराल भेज देता है। उस दिन से घर के तीनों लोग मेहनत करके वीरैया का ब्याज भरते हुए, वो लोग भी खुशी से मुस्कुराते हुए रहते थे। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।